हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बच्चों, हमने डीपीपी दी थी वेक्टर के लिए। डेली प्रैक्टिस पेपर में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, ठीक है ना? उनका सॉल्यूशन आज मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम सारे क्वेश्चन आज यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट गलत हो जो हमने उसके न्यूमेरिकल में लगाए हों, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले दो क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, तो इनमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी। देखिए जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए एंड बी दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? सबसे पहले में फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी फाइंड कर लेंगे हम। ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों अपने पास, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगी टेन आई कैप और प्लस 5 j कैप। मैग्नीट्यूड जब बच्चों फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं हम? बताया था मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है ना? क्या करेंगे, ए प्लस बी का मोड कर देंगे। तो यहां क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां जो भी बच्चों आपका आंसर आएगा वो आंसर है। डायरेक्शन बच्चों आप लोगों को मैंने बताई, अगर हमारे पास क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा में हमारे पास डायरेक्शन क्या होती है? अगर हमारे पास कोई वेक्टर है आर आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ठीक है ना? ये देखो इसी फॉर्म में बन रहा है ना। अगर मैं इसको आर लिख दूं और ये देखो ये आई कैप में है और ये जो हमारे पास जे कैप में है, ठीक है? तो आर एक्स ये हो गया, आर वाई ये हो गया। तो यहां क्या थी हमारे पास डायरेक्शन, टेन थीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, अगर बच्चों आपको याद हो तो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, आर वाई तो हमारे पास 5 है और आर एक्स है 10, ये आ जाएगा 1/2। थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाए 10 इनवर्स 1/2 आंसर। ये तो बच्चों बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना? डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ही फाइंड करनी थी इसमें, तो चलो क्लीन कर देते हैं इसको। नेक्स्ट जो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, उसमें दो वेक्टर दिए हुए हैं हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है ना? एक तो कितना है 5 न्यूटन और दूसरा कितना है प्यारे बच्चों 12 न्यूटन का, और इसमें तीन रिजल्ट दिए हैं, 17 न्यूटन, 7 न्यूटन और 13 न्यूटन। और पूछा है कि अगर ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट पर इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, इस रिजल्ट पर इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, इस रिजल्ट पर इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा। देखो तीन क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हम एक करेंगे, दो आप अपने आप करेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। देखो बच्चों जो रिजल्टेंट था हमारा दो वेक्टर्स का, वो हम कैसे फाइंड करते थे, हमें पता है क्या होता था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना? यही तो था वो। तो बच्चों ये थीटा क्या है इसमें, यही तो वो डायरेक्शन है जो वो पूछ रहा है, ठीक है? और आर उसने दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, 17 हो गया। जब इसका स्क्वायर इधर लेकर के आएंगे, चलो क्योंकि बायोलॉजी के बच्चे भी करते हैं ना, कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अच्छे से कैलकुलेशन कर देते हैं इनकी। ये मैग्नीट्यूड था तो इसके ऊपर से वेक्टर हटा दो, ये हमारे पास आर की वैल्यू थी, ठीक है ना? रिजल्टेंट की अगर बच्चों मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है ना? आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है पहले वाले में, 17, ठीक। सेकंड हमारे पास ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 25। ये क्या है, बी, बी की वैल्यू कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर करते हैं बच्चों, ये आता है 144 प्लस 2 इंटू हमारे पास बन जाएगा ये 5 × 12 कोस थीटा, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है ना? अब बच्चों 17 का स्क्वायर हमारे पास जो होता है वो होता है 169, आप चाहे करके देख लेना, स्क्वायर स्क्वायर ऐड करेंगे 5 और 4 9, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 2 6 1 169 प्लस ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 10 120 कोस थीटा, ठीक है ना? अब देखो जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 120 कोस थीटा। अगर बच्चों हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो
तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, ठीक है ना। वो कोस थीटा की, कोस जीरो की वैल्यू हमारे पास, कोस जीरो थीटा जीरो कब आता है? थीटा जीरो हमारा आता है बच्चों कब आता है, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कोस पाई बाई टू, ठीक है ना। सही किया है ना, बिल्कुल 169 169 इधर चला जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, पाई बाई टू, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इस बार जो ये रिजल्टेंट कब आएगा बच्चों, जब हमारे पास 12 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा हुआ होगा मान लीजिए, और 12 न्यूटन का फोर्स इधर लगा हुआ होगा, कितने का, 12 न्यूटन का, ये मतलब ट्राइंगल बनेगा। तो जो रिजल्टेंट है इसका इसके बीच में कहीं को जाएगा, और किसकी तरफ ज्यादा झुक जाएगा, ये इस साइड में वो, ठीक है ना। ये कितना एंगल है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर पूछ लिया जाता, ठीक है। टेन थीटा में आर वाई अपॉन आर एक्स कर दो। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर मैं इस तरह इसको मानता हूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, यहां बच्चों मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू 12 i कैप प्लस 5 j कैप, समझ रहे हो। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, या अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं, थीटा की आएगी है तो, ठीक है ना। और ये अल्फा की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड करनी है, बिल्कुल ये राइट एंगल ट्रायंगल पर है ना, ठीक है। तो ये भी बड़े आराम से उसके बाद निकल जाती है, फॉर्मूला लगा कर, डायरेक्शन कितने डायरेक्शन पर हमारा जो है रिजल्टेंट लगा हुआ है। लेकिन ये चीजें नहीं पूछी गई, पूछे तो इसको भी डिस्कस कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से बच्चों आपको 7 न्यूटन और 13 न्यूटन का भी खुद करना होगा, एक में 180 डिग्री आ जाएगा आंसर और एक में जीरो, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं इसमें। ये बच्चों थर्ड क्वेश्चन था, ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर 2 3 एट टाइम टी बराबर 0 6 7 एट टाइम 2 2 सेकंड पे, जब टाइम 2 सेकंड है, और अलग इसके थर्ड कोऑर्डिनेट है 13 मीटर और 14 मीटर एट टाइम टी इक्वल टू 5 सेकंड। ये क्या कहना चाहता है बच्चों क्वेश्चन, ये कहना चाहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, ठीक है ना, और वो कहाँ चल रहा है। ये देखो दो, इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, इसको वाई एक्सिस मान रहे हैं, एक्स वाई दिया है ना। अगर एक एक्सिस में चलता हो तो वो मोशन कौन सा होता, स्ट्रेट लाइन मोशन होता। लेकिन यहाँ दो एक्सिस में हमारे पास पार्टिकल चल रहा है, मतलब पार्टिकल एक प्लेन में हो रहा है, यहाँ मोशन एक प्लेन है, बात समझ रहे हो। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पोजिशन वेक्टर का जो है डिजाइन करने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। वैसे पोजीशन मोशन वेक्टर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी 2 सेकंड में इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए प्रॉपर फिगर मैं बना देता हूं, ताकि आपको जो टोटल क्लियर आंसर है वो मिल जाए, ठीक है ना। बच्चों देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वैसे तो ये 3D व्यू में बनेगा क्योंकि इसकी एक डायमेंशन टाइम की बनेगी, ठीक है ना। लेकिन हम 2D में ही, क्योंकि मोशन सिर्फ 2 प्लेन में हो रहा है ना, टाइम के डायमेंशन को वहां काउंट नहीं करते, ठीक है ना। आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम के डायमेंशन को काउंट नहीं करते ना। तो चलिए उधर नहीं जाते हैं, अपना मेन मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे। यहां क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से, जब मैंने मान लिया यहां टाइम टी इक्वल टू 0 है, और मैं ये नहीं बना रहा हूं 2 3 x एक्सिस और वाई एक्सिस पे, आप खुद इसको डिजाइन कर लेना, ठीक है ना। चलो नहीं तो बना देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इधर हमारे पास मैं y एक्सिस ले लेता हूँ, और इधर x, y एक्सिस में मैक्सिमम 14 तक जा रहा है, तो मैं इसके जो ग्रुप बना देता हूँ वो बना देता हूँ 2 2 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। और x एक्सिस पे बना देता हूँ मैं, यहाँ भी दो दो के बना देता हूँ, 2 4 6 8 10 12,
ठीक है, जब टाइम जीरो है तब पार्टिकल हमारा कहाँ है, 2/3 पर, मतलब दो तो ये और तीन ये कहीं इस पोजीशन पर होगा, यहां क्या है, दो और तीन। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, सेकंड जब टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड है तो कहाँ है पार्टिकल हमारा, 6 मीटर और 7 पर, मतलब 7 तो इधर, 7 तो इधर कहीं और 6 ये है, ये है, ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 7। नेक्स्ट 13 और 14 मीटर पर है, 13 कहाँ है ये ना और 14 कहीं ये है, 13 और 14, ठीक है। चलिए देखो यहां टाइम क्या है, जीरो है, यहां टाइम क्या है, 2 सेकंड है, यहां टाइम क्या है, 5 सेकंड। अगर बच्चों देखो मैं अगर इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट बनाऊं, या हम कह देते हैं इससे मैंने पढ़ा है ना पोजीशन वेक्टर, इसका इसके लिए पोजीशन वेक्टर मैं क्या मान लेता हूँ, R1, इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या मान लेता हूँ बच्चों, R2, और ये जो इधर जा रही है हमारी एक्सिस, ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए मैंने पोजीशन वेक्टर माना प्यारे बच्चों R3, ठीक है ना, क्लियरेंस है, बिल्कुल क्लियर हो गया माइंड में। अब हमारे से बच्चों क्या पूछा है, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम टाइम दिस टू दिस। चलिए बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज ध्यान से अगर हम देखें तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होती है टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, किस टाइम से के बीच में पूछा है उसने बच्चों, देखो यहां के और यहां के बीच में पूछा है, तो अगर हम देखें मैं इस वाले को साफ कर देता हूं, बिल्कुल इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको साफ कर देता हूं, हमें सिर्फ इस पोजीशन से लेना देना है अभी और इस पोजीशन से लेना देना है, वो इधर को उधर के चाहे कहीं को भी होकर के गया हो, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है इसके इसके बीच में, ये है प्यारे बच्चों। देखो ये तो हमारा R1 था, जब हमने इससे इसे मिलाया ये क्या आ गया हमारे पास R2, और ये जो निकला इधर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वही तो फाइंड करना है हमें, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों देखो यहां से क्या आ जाएगा, R2 - R1, ठीक है ना, और टोटल टाइम, यहाँ टाइम 0 सेकंड का है, वहां टाइम 5 सेकंड का है, तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरे बच्चों, 5 - 0, ठीक है। अगर बच्चों इस पॉइंट के लिए मैं R1 लिखूं, ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या है पॉइंट हमारे पास, 2 मीटर और 3 मीटर, अगर इसके लिए बच्चों मैं R1 लिखूं तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए, 2i कैप + 3j कैप, समझ रहे हो, और R2 क्या आ जाएगा हमारे पास, R2 आ जाएगा 13i कैप + 14j कैप, क्लियर है। तो R2 - R1 जब करेंगे तो इससे ये माइनस होगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 11i कैप, और ये सॉरी हाँ ठीक है, और R1 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों -11, या इससे इसमें कर रहे हैं ना, ये प्लस ही आएगा, 11j कैप भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। और डिवाइड में कितना है, 5, यहां से क्या होगा 11 कॉमन आ जाएगा, i कैप + j कैप / 5। देखो ये तो इसका टोटल कंसेप्ट है, अगर आपको पूरा कंसेप्ट चाहिए इस क्वेश्चन का तो ये तो टोटल इसका कंसेप्ट है, लेकिन अगर हमें इसे फ्यू सेकंड में करना है ना बच्चों, मिनटों सेकंडों में करना है, तो कुछ नहीं करना है, सब साफ कर दो, सब साफ करो, एवरेज वेलोसिटी देखो कितनी होती है, कीप इन माइंड होना चाहिए सब कुछ, हमें पता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्वेश्चन में टाइम 0 से 5 सेकंड के लिए देखा है, इन्हीं पे ही पोजीशन देख लेंगे बस, एक पोजीशन तो उसकी ये है, एक पोजीशन ये है, इसका मतलब इसमें से ये घटा करके हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, सीधा क्वेश्चन में से ही माइनस कर दो,
हमें पता है ये कितना बन जाएगा आई कैप, ये 14 जे कैप, ये 2 आई कैप, ये 3 जे कैप, सीधा फटाफट माइनस कर दो, आई कैप प्लस 11 जी कैप, और टोटल टाइम कितना, टाइम का डिफरेंस कितना है इधर 0 में 0 0 से 5, तो 5 माइनस 0 11 अपॉन 5 आई कैप प्लस जे कैप। प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर है 2 सेकंड में, वो कांसेप्ट दिमाग में लेकिन जरूर होना चाहिए कैसे आया निकल करके, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमारे पास थोड़ा सही क्वेश्चन था, वैसे तो था कुछ नहीं, ये भी सही इसलिए था क्योंकि उसमें जो है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज हो रहा था, जो हम 2 डायमेंशन में बड़े आराम से पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये उसकी एप्लीकेशन लेके आया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस थे उसमें मैंने सिर्फ आपको रिजल्टेंट शो करने के लिए कहा था कि इनमें रिजल्टेंट शो करो कहां से जाएगा और किधर से होकर के निकलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से ओरली समझ लेते हैं इनको। ये जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, यहां 2 वेक्टर हैं, एक इधर लगा हुआ है एक इधर लगा हुआ है। ध्यान से ऐसे सोचिए, ये पेन है, एक फोर्स इस पे उधर लगा, एक फोर्स इस पे ऊपर की साइड लगा, सोचो किधर जाएगा ये, ना तो ये इधर जाने का ना ये इधर जाने का, कहां जाएगा, बिल्कुल बीच में जाएगा ऐसे, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है, समझ रहे हो। तो इनकी जो डायरेक्शन हो जाएगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी हमारे पास रिजल्टेंट, ठीक है ना। आप चाहे तो जो हमने टेन अल्फा वाला रिजल्ट था ना, वो वहां थीटा की वैल्यू पुट करके देखो, रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपने आप ऑटोमेट निकल करके आएगी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन देखते ही कैसे आप लोग करने की उसको अप्रोच करें, ठीक। पहला तो हमारे पास ये आ गया। सेकंड बच्चों इधर देखो, यहां तो हमारे पास जो वेक्टर है, तो कहने का मतलब है ये बच्चों 45 एंगल पे जाएगा। आप लोग वो न्यूमेरिक वो फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था वो लगा करके देखना, ऑटोमेटिक आंसर आएगा टेन अल्फा वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें ये दिया है ए और ये दिया है 2a। तो अब क्या हो, देखो इस बार क्या होगा कि एक जो हमारे पास वेक्टर, ये एक फोर्स तो इधर खींच रहा है, इसके 2 फोर्स के बराबर ही ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इस बार रिजल्टेंट प्यारे बच्चों कहीं 2a की तरफ को निकल कर चला जाएगा। और क्योंकि यहाँ पहचानना हमारे लिए बड़ा आसान हो रहा है कि इधर डबल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब एंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट इसकी साइड आएगा और एक पार्ट उसकी साइड आएगा। 90 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 30, तो ये एंगल कितना बनेगा इस बार 60 डिग्री, ये इसका रिजल्टेंट होगा। क्लियर है। थर्ड वाले पे आओ, देखो दोनों इक्वल लग रहे हैं, ठीक है, सेम वही कंसेप्ट, बिल्कुल इसके बीच से होकर के जाएगा, एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। बच्चों ये डायरेक्ट अप्रोच है क्वेश्चन को करने की, क्योंकि हमारे हमें फंडामेंटल क्लियर है, हमें पता है सीधा देखते ही। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनको आप सीधे नहीं कर पाओगे, तो कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूले हैं, हम फॉर्मूले लगा करेंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिख जाते हैं तो तुरंत आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। और रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, अगर मान लो रिजल्टेंट भी है तो a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इधर देखो ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए दिया गया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, सारे के सारे फोर्स आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। तो मुझे बच्चों आप लोग सोच के बताओ, क्या इसका रिजल्टेंट ये नहीं हो जाएगा क्या, पहले से आखिरी वेक्टर को ही तो जोड़ते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं, समझ गए रिजल्टेंट में, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। और इसके लिए बच्चों देखो, ये तो पहला वेक्टर है, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं लिखूं रिजल्टेंट की यहाँ, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f। क्लियर है ना, क्योंकि देखो एक वेक्टर ये आया, एक वेक्टर दूसरा यहीं से स्टार्ट हुआ, अगर ये उल्टा हो जाता ना इसके, तो आप समझने की कोशिश करना, अगर ये उल्टा हो जाता ना तो a माइनस b आता यहाँ, समझ रहे हो। लेकिन इसने इसके टेल से मिला है, ये इधर गया, ये इधर गया, सारों की सब में क्या हो रहा है, हेड से टेल मिल रही है, समझ गए। तो ये बच्चों इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f। इसी तरह से यहाँ इसका रिजल्टेंट देखो, ये कैसे जा रहे हैं,
ये सारे जोड़ते चले जाओ। देखो पहले तो ए है, ए के आगे जस्ट लगा हुआ है बी, बी के आगे जस्ट लगा हुआ है सी, सी के आगे जस्ट लगा हुआ है डी, डी के आगे जस्ट लगा हुआ है ई, ई के आगे जस्ट लगा हुआ है एफ। रिजल्टेंट का इनिशियल माइनस फाइनल के बीच में, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। और इन टोटल सबको ही जोड़ के हमारे पास क्या आ जाता है रिजल्ट। तो इसके लिए जो है रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। हाँ ये बात अलग है, अब हम इसके कोऑर्डिनेट के थ्रू इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी काफी टिपिकल हो जाएगी। वो भी आसान है, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर हमें बस ए बी सी डी ई एफ किस प्लेन में लगे हुए हैं वो प्लेन दे दिया होता, ऐसे दे दिया होता, देखो ए की वैल्यू दे दी होती है हमें ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, या ऐसे ना करके 2 प्लस 3। इसी तरह से बी दे दिया होता 3 i कैप प्लस 4 j कैप। इसी तरह से सी दे दिया होता, सारे आपस में जुड़ जाते, आई आई वाले एक तरफ हो जाते, वाई वाई वो वाई वाले एक तरफ हो जाते, फिर सीधा रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट जो हमारे पास कोफिशियंट है i का उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशियंट है या j का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर, ही हमारा रिजल्टेंट आ जाता। समझ गए? और उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास सीधी सीधी निकल जाती। कैसे? अगर दो निकल रहे हैं इधर, ये आर वाई मानो ये आर एक्स मानो, tan थीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स। ये कब था? ये तब था बच्चों अगर हमारे पास मोशन ने प्लेन हो रहा है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये कुछ रिजल्टेंट थे जो मुझे लगा आप लोगों को पता होने चाहिए, ओरली भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पता है जिस क्वेश्चन का आप इंतजार कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, चलिए बच्चों इंतजार खत्म करते हुए अपने इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, हमें कोई रेगुलर हेक्सागन दिया है, ठीक है ना, जिसकी हमें दो साइड्स का पता है, ये ए है ये बी है, ठीक है। अब बच्चों हमारे से क्या पूछा हुआ है, सॉरी हेक्सागन है, रेगुलर में तो सारी इक्वल होती है, ठीक है ना। ये एक हेक्सागन है जिसमें ये ए है ये बी है, ठीक। अब हमसे उसने पूछा है बी सी बताओ, सी डी बताओ, डी बताओ, ई एफ बताओ, एफ बी बताओ, एफ सी बताओ, एफ डी बताओ, ए ई बताओ, वेक्टर ए डी ए सी, कितने सारे वेक्टर पूछ लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, देखो बी सी ध्यान से देखना, हमें बी सी फाइंड करना। बी सी तो बच्चों तभी फाइंड करेंगे ना जब हमें पता होगा बी सी है कौन सा। बच्चों ध्यान दो, क्या बी सी ये है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये BC है ना। अगर बच्चों ध्यान से देखें, मैं इसको एक वेक्टर मान लूं पूरा, ये सॉरी ये तो FC है, सॉरी 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 BC तो हमारे पास ही है ना प्यारे बच्चों, ये है BC, ठीक है। और BC फाइंड करने के लिए देखो मुझे एक तो ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, समझ गए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तब मैं क्या लिख सकता हूं कि एफ सी विल बी इज इक्वल टू एफ बी प्लस बी सी। यहां से बी सी निकल कर क्या जाएगा, बात समझ रहे हो। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले ये फाइंड करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम एफ बी निकालते हैं। अच्छा अगर हम ध्यान दें, एफ बी क्या इसका इसका सम है, ध्यान से देखो ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर इसको ही तो जोड़ रखा है ये एफ बी में, तो मैं क्या एफ बी को क्या लिख दूं, ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस बी सी, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एफ सी। बच्चों ध्यान से देखो, इस हेक्सागन में इसका ये सेंटर है, ठीक है ना। क्या ये जो हमारे पास एफ ओ और OC है, देखो ये इसके पैरेलल है ना, और जस्ट इसके डबल होगी हेक्सागन की प्रॉपर्टी, बात समझ रहे हो ना। ये जो है ये इसके पैरेलल भी है और इसके इक्वल भी है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वल वेक्टर बन गया। तो ये भी वैल्यू B हो गई हमारे पास में और ये भी वैल्यू B हो गई, तो क्या बच्चों इसको मैं 2B वेक्टर लिख सकता हूं। अब BC बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम ध्यान दें तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास, ये इधर आएगा, तो ये इधर आकर के ये B माइनस A,
पहली बात हमारे पास निकल गई BC, ठीक है। यहां हमने क्या निकाला, FB निकाला। FB क्या आया प्यारे बच्चों हमारे पास, A प्लस बी, ठीक है। एक ये भी निकाला हमने यहां FC, FC कितना आया 2B। ये तीन चीजें निकली, देखो तीन चीजें कोई इसमें पूछी है क्या, FC पूछी, BC पूछी है तो निकल गई, FB है क्या कहीं, हाँ ये भी निकल गई, FC है क्या कहीं, ये तीन चीजें हमारे पास निकल करके आ गई। अब हम CD निकाल लेंगे। देखो CD क्या है, ये है ना, ठीक है। अगर बच्चों हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो जो CD वेक्टर है क्या वो FA वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, बात समझ रहे हो, क्या वो FA वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। वो नेगेटिव वेक्टर कैसा होता है, मैग्नीट्यूड में से और डायरेक्शन में बिल्कुल डिफरेंट। तो क्या मैं CD की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए लिख सकता हूँ क्या, CD भी निकल गया अपने पास। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या है, DE, ठीक है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, DE निकलने के लिए अगर मैं कैसे लिख दूं, देखो ध्यान से, ये है हमारे पास DE, ये क्या है DE, तो सॉरी ये है, ठीक है ना, ये है ना DE। DE फाइंड करने के लिए प्यारे बच्चों क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, FD इज इक्वल टू DE प्लस EF लिख सकते हैं, ठीक है। क्या मैं क्या लिख सकता हूं FD को, ये देखो ध्यान से, यहां से मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, हैं, क्या लिख सकता हूं मैं FD, FD कहां है अपने पास, FD को हम लिख सकते हैं DE प्लस EF। और बच्चों अगर हम ध्यान से देखें एक चीज, तो ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास में इसको मैं ऐसे लिखो, पहले देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं FD को, FD will be is equal to, या सॉरी FC will be is equal to CD, ऐसे भी नहीं होने CD, या ऐसे लिख देते हैं ना माइनस DF, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो FC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2B, और CD की वैल्यू क्या है कितनी है अपने पास माइनस ए, तो माइनस डी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, इसको इधर ले आएंगे, डी एफ हमारे पास आ जाएगा माइनस ए माइनस टू बी, ठीक है ना, माइनस ए माइनस टू बी। ये काफी लंबा कर दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है, इसको सिंपल ही करते हैं। कहां तक अभी हम निकले निकाले थे, एफ सी तक, कुछ और मेथड सोचते हैं इसका, एफ सी तक हो गया, अपने पास सी डी भी आ गया, सी डी कितना है, सी डी है बच्चों अपने पास माइनस के, अब हमें क्या फाइंड करना है डी ई, अरे कुछ भी नहीं है, डी ई क्या इसके निगेटिव वेक्टर होगा, नहीं होगा, डी ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, ठीक है, चलो डी ई भी निकला। अब ई एफ को देखो, ई एफ कहाँ ये रहा, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा अपने पास माइनस बी सी, ठीक है, ई एफ कितना हो जाएगा अपने पास माइनस बी सी, और माइनस बी सी कितना है प्यारे बच्चों, अगर मैं ध्यान से देखूं तो बी सी हमारे पास कितना था, बी माइनस ए, ये आ जाएगा ए माइनस बी, ई एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एफ डी, एफ डी कहाँ है, एफ डी ये रहा। क्या बच्चों एफ डी जो है अपने पास वो हो जाएगा डी ई प्लस ई एफ, ठीक है ना, तो एफ डी डी ई कितना है माइनस बी, और प्लस ई एफ कितना है, ये है अपने पास
ए माइनस बी, देखो ए माइनस टू बी आ गया। जो बच्चों हमारे मैंने पहले भी निकाला था ए माइनस टू बी निकाला था ना वैसे दूसरे मेथड से, लेकिन वो काफी लंबा हो गया था, मैंने इसलिए उसको हटा दिया। ठीक है, ये सिंपल बिल्कुल तरीके से ए माइनस टू बी अपने पास दोबारा आ गया एफ डी की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ए ई। अब ध्यान से देखेंगे ए ई कहाँ है, ए ई कहाँ पे है, ए ये रहा, ई ये रहा। अगर बच्चों ए ई निकाल लें हम, तो ए ई आएगा अपने पास ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, दो तरीके से निकल सकता है, या तो इधर को चले जाओ या इधर को आ जाओ, समझ गए। चलो इधर को चलते हैं ताकि सिंपल निकल जाए, ए ई के लिए ई एफ और प्लस एफ ए। ई एफ कितना है, ई एफ है अपने पास माइनस बी सी, ए माइनस बी और प्लस एफ ए कहाँ है, एफ ए तो अपने पास ए है। ठीक है ना, तो बच्चों ध्यान से देखो ए कितना आ गया अपने पास में, टू ए माइनस बी, ए ई भी निकल गया। अब ए डी फाइंड करेंगे, ठीक है ना, ए डी कहाँ है, ए डी प्यारे बच्चों अपने पास है ये। अब इसको भी बच्चों देखो दो रास्ते से निकाल लो, चाहे तो आप ऐसे चले जाओ चाहे आप ऐसे चले जाओ, कैसे ही कर लो आपकी इच्छा है। ठीक है ना, AD की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आप अपने आप फाइंड करेंगे। ये AD कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, AD फाइंड कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये तीनों की वैल्यू रख दो। AB की वैल्यू कितनी है, कहाँ है AB, AB तो अपने पास जो है B है, और प्लस BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है B माइनस ए, और प्लस CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू हमने फाइंड की है, CD तो फाइंड की थी यानी माइनस ए। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास 2B माइनस 2A, कितना आ गया 2B माइनस 2A। बिल्कुल ऐसे ही आप AC बड़े आराम से निकाल सकते हैं, AC की वैल्यू तो और भी सिंपल आ जाएगी। देखो एसी हो जाएगा, एसी है ना बी प्लस बी सी, बी प्लस बी सी कितना है, बी सी कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों टू बी माइनस ए। ठीक है ना, तो इस तरह से देखो कंप्लीट क्वेश्चन हमारे पास निकल गया। ठीक, इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं, इसलिए बीच में मैं दूसरे तरीके से कर रहा था लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग हो गया, तो मुझे ये दिख गया कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल एंटी पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, तो सीधा इसकी नेगेटिव वैल्यू इसके बराबर रख दो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। इस क्वेश्चन की आपके पास छूट है, मोशन इन ए प्लेन जब हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तब बताना आप मुझे इसका आंसर। ठीक है, अगर कलिका तुमने मुझे इसका आंसर बता दिया तो जो आपके ऊपर पार्टी ड्यू है तो करने की 10th क्लास में, ठीक है ना, वो फिर आपकी पार्टी कैंसिल। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगी। ठीक है ना, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, रेगुलर एग्जाम है बच्चों ये, ठीक है, ये है अपने पास ए बी सी डी ई एफ, ये इसका सेंटर है प्यारे बच्चों ओ। आपको प्रूफ करना है ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस
AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर, ठीक है ना, AC AB प्लस AD, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF इज इक्वल टू 6 हो, ये प्रूफ कर दो बस, ठीक है। तो जो पार्टी है, जो ड्यू पार्टी है वो कैंसिल, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद प्यारे बच्चों।